हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से लेकर 2020 के बीच में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारा आंसर याद हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और याद ही कर लेंगे हम लोग मिलके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स 2015 से लेकर 2020 के बीच के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, दैट इज इंडिया के एक्सपोर्ट्स डबल हो जाने चाहिए 2020 तक के एंड तक। तो वो लिखा है, पहले हमारे एक्सपोर्ट जो थे वो थे 465.9 मिलियन। हमारे इस पॉलिसी का टारगेट था कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल होकर 900 मिलियन तक पहुंच जाने चाहिए। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, द पॉलिसी एम्स एट डबलिंग द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 465.9 मिलियन टू 900 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2019-20। तो पहला ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा आपको कि हमको अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करने हैं 465.9 मिलियन से 900 मिलियन तक। नंबर टू, हम लोगों को इंडिया के एक्सपोर्ट्स, दैट इज इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड ट्रेड 2% था पहले, उसको इंक्रीज करके 3.5% तक ले जाना है। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, इट सीक्स टू रेज द इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया सिर्फ 2% कॉन्ट्रीब्यूट करते थे पहले, हमारा टारगेट है कि उसको बढ़ा के 3.5% पे ले जाना है। तो वो लिखा हुआ है, इट सीक्स टू रेज द इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड फ्रॉम 2% टू 3.5% बाय द एंड ऑफ 2020। 2020 तक के एंड तक हम लोग को इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड के अंदर वो 3.5% पे ले जाना है। क्लियर। तीसरा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन को बूस्ट दे रहे हैं ताकि हम लोग को किस तरह से काम करना चाहिए क्रिएशन में, दैट इज स्किल्स, हमारे लोगों की स्किल्स ज़्यादा इंक्रीज हो। तो वो लिखा है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स इंडिया, जॉब क्रिएशन, इंप्रूव द सेंस ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। हम लोग को ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ऐसी स्किल्स डेवलप हो कि जो इंडिया के लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, और मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन को बूस्ट मिले। तो तीन ऑब्जेक्टिव्स एकदम इजी थे, हमको लगता है आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव का। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए ऐसा है कि दुनिया में अगर प्रॉफिट कमाना है या पैसा कमाना है तो दो ही तरीके होते हैं, या तो आप कुछ नया लेके आओ, दैट इज इनोवेशन करो, या फिर खर्चे कम कर दो। चाइना यही करता है कि उनके खर्चे कम है, उनको नया लाना नहीं आता, वो लोग कॉपी बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनके खर्चे बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनका बहुत कम है, इसके लिए वो मार्केट लीडर है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए या मार्केट लीडर बनने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो एंटरप्रेन्योरशिप करो, दैट इज न्यू लेके आओ, इनोवेशन करो, या फिर अपने खर्चे कम कर दो। तो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव यही था, कट डाउन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करो, टाइम कम करो, जो टाइम वेस्ट होना चाहिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में टाइम वेस्ट होता है वो कम हो जाएगा, तो अपने ही हम लोग मार्केट लीडर बन जाएंगे। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव यही था। ट्रेड फैसिलिटेशन इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव, हमको अपना ट्रेड बढ़ाना है और ट्रेड बढ़ाने के लिए हम लोग को अपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को और टाइम डिलीवरी टाइम को कम करना पड़ेगा। तो वो लिखा है, कट डाउन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड टाइम, इसकी वजह से होगा क्या, इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा और इंडिया ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा खर्चा अपने आप कम हो गया, हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट के प्राइस अपने आप कम होंगे तो क्या होगा, हम लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा उतनी क्लैरिटी ज़्यादा होगी और उसी को हम लोग बोलते हैं गुड गवर्नेंस पॉलिसी। तो वही लिखा है फिफ्थ पॉइंट में, टू फोकस ऑन गुड गवर्नेंस विच डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल डिलीवरी सिस्टम। मतलब हर एक जो भी गलती भी होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोसेस कहाँ है, कैसे चल रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस पॉलिसी। तो छठा पॉइंट क्या हो गया, गुड गवर्नेंस, सॉरी पांचवा। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट फोकस करता है निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात बंधु स्कीम क्या होता है, देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़े, वो हमने फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में बढ़ा था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ना चाहते हैं, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो निर्यात बंधु स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट क्या देखती है कि जो हमारे पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिनके अंदर एफिशिएंसी भी है, क्षमता है एक्सपोर्ट करने की, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढती है
और उनको काउंसलिंग करती है और उनको बताती है कैसे वो एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। देखिए, वो एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा देश ज़्यादा रिच होगा। जो कंट्री जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है वो कंट्री बहुत रिच कहलाती है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक नई स्कीम चालू की जिसका नाम है निर्यात बंधु स्कीम, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को ढूंढते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कैसे वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। तो वो लिखा हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंप्लीमेंटिंग निर्यात बंधु स्कीम फॉर मेंटरिंग न्यू पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स। जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को मेंटर करेंगे, काउंसिल करेंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। सेवन पॉइंट भी सेम वैसा ही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्रिएट की गई है ताकि इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप कर सके, नॉलेज कम्युनिटी बिल्ड कर सके एक्सपोर्टर्स को डेवलप करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक्सपोर्टर्स, निर्यात बंधु स्कीम में हमने ये देखा कि हम लोग को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रेनिंग प्रोवाइड तभी कर सकते हैं जब एक ग्रास रूट लेवल पर प्लेटफॉर्म क्रिएट हो। तो यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ताकि काउंसलिंग प्रोवाइड कर सके ऐसे एक्सपोर्टर्स को जो अभी फिलहाल एक्सपोर्टर नहीं है लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है एक्सपोर्टर बनने का। तो सेवन पॉइंट में हम लोग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप करेंगे, ऐसे जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेल्प करेंगे, या जो एक्सपोर्टर्स तो है लेकिन जो एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर नहीं करते लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का, तो उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि वो लोग एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट है ECGC। ECGC स्कीम आपको पता ही होगी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्या होती है, ये वापस एक्सपोर्ट क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग बराबर से इस्तेमाल कर सकें। देखिए, इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है रिसोर्सेज वाइज, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज है ही नहीं, लेकिन हम लोग अपने रिसोर्सेज का बराबर से यूज़ नहीं करते, हम लोग वेस्टेज बहुत करते हैं। तो ECGC स्कीम में बैंक हेल्प करेगी कि कैसे हम लोग अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो लिखा हुआ है, टू एसोसिएट द ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टम्स, ECGC, बैंक्स एंड अदर कंसर्निंग मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, के हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग बराबर से यूज कर पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट किसके ऊपर हो गया, ECGC और अपने रिसोर्सेज का यूज करने के ऊपर। और लास्ट आता है, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसमें डिफेक्ट कम से कम, दैट इज जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, कि हम लोग के प्रोडक्ट कब बिकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जब हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स नहीं होंगे या कम से कम होंगे, तो तभी हम लोग का इंडिया ब्रांड बन सकता है। जैसे चाय पत्ती है तो इंडिया के ब्रांड से बिकती है, क्या इंडिया की चाय पत्ती बहुत फेमस है, वैसे कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया का ब्रांड है, कि हाँ भाई कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो इंडिया की होगी, सबसे बेस्ट होगी। हैंडलूम इंडस्ट्री है, इंडिया बहुत फेमस है, लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ पर इंडिया बहुत फेमस नहीं है, टेक्नोलॉजी वाइज भी हमको ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं जहाँ पे डिफेक्ट्स कम से कम हो। अगर कम से कम डिफेक्ट होंगे तो क्या होगा, जीरो डिफेक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की हेल्प करेंगे हम लोग, और इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा इंडिया का ब्रांड बन जाएगा, और जैसे इंडिया एक ब्रांड बन जाएगा तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया का नाम बहुत ऊपर आ जाएगा। तो नाइन्थ पॉइंट वही है कि हमको कम से कम डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं, क्वालिटी पे एम्फोसिस देना है ताकि इंडिया ब्रांड इंडिया बन जाए। तो वो लिखा है, to produce quality products with zero defects so that Indian products can acquire global brand name, India ka product bhi brand se bikna shuru ho jaye। ये 9 पॉइंट्स थे या 9 ऑब्जेक्टिव्स थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप ये वीडियो को मेरे फ्रेंड्स का जरूर शेयर करेंगे। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी शेयर फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आपको आईडी दिख रहा होगा, वहां पे मैं सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं, और यूट्यूब पे मैं बनाता हूं क्या चीज, एजुकेशनल कंटेंट। तो प्लीज शेयर करिएगा ये मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी समझ में आ जाए। बाय।